जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल ओनली डिजम में। तो आज दोस्तों बात करेंगे पटामुंडी में सार्जन और पावर म्यूजिक का कंपटीशन क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्या रीजन था कि वहां पे सब कुछ रेडी होने के बाद जब कंपटीशन का टाइम पहुंचा, यानी कि आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी था कंपटीशन का, उस बीच ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके चलते पुलिस प्रशासन को आके कंपटीशन को रोकना पड़ा। तो आज का टॉपिक इसी पे रहने वाला है और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे वहाँ का कि ऐसा क्या कुछ हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेटअप का, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा एक मैटर चल रहा है वो है सेटअप का चौड़ाई को लेके, कि सेटअप 32 फीट में जब बात हुआ था तो 32 फीट का सेटअप क्यों नहीं लगा। और हम लोग देखते हैं कि सेटअप किनका सेटअप कितना कुछ था, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें डीजे सार्जन का जो सेटअप था उनका कहना है कि मेरा सेटअप 32 फीट का है। ठीक है, उनका सेटअप अगर 32 फीट का है तो पावर का जो सेटअप लगा वो 32 फीट का नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। उनका 32 फीट का सेटअप नहीं था, उनका सेटअप बड़ा था, यानी कि आप बोल सकते हो जैसे उनके ओनर ने बोला कि मेरा एक बेस 6 फीट का है। ठीक है, तो 6 करके भी हिसाब करोगे तो आप 6 × 36 फीट हो रहा है, यानी कि सार्जन का सेटअप से 4 फीट ज़्यादा। तो ये था सेटअप का। फिर जब दोबारा डीजे सार्जन का सेटअप और लगा, यानी कि आप बोल सकते हो उनका सेटअप में और जब 12 फीट का इंक्रीज हुआ तो वो सेटअप टोटल निकल के आ रहा है आपका 44 फीट में, मतलब 44 फीट का सेटअप था। लेकिन डीजे सार्जन के ओनर का कहना है कि उनका सेटअप एक मोटा मोटी 42 फीट का था, लेकिन हमको जैसे लगा जो बाद में डीजे सार्जन का सेटअप लगा उतना चौड़ा डीजे पावर का सेटअप नहीं था, वो उस टाइम कम था, उनका कम हो गया था। चौड़ाई पहले पावर का ज़्यादा था, फिर बाद में जब सेटअप में इंक्रीज हुआ डीजे सार्जन का, उसके बाद चौड़ाई उनका ज़्यादा था। तो ये रहा आपका चौड़ा वाला। लेकिन वहाँ पे पुलिस कहाँ से आ गया, क्योंकि उस टाइम तो ना ही कंपटीशन हुआ था और ना ही साउंड चेक हुआ था, यह तो कुछ भी मैटर नहीं चला, तो वहाँ पे पुलिस कहाँ से आ गया। मेन बात यही है, क्योंकि जब 32 फीट का परमिशन मांगा गया था तो हमको नहीं लगता कि 5-10 फीट के लिए पुलिस आके सेटअप को पूरा ही बंद करवाएगा। 32 फीट छोटा मोटा नहीं होता है, अभी तक शायद ही कहीं इतना बड़ा लेवल का दोनों ही सेटअप अपने स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट जाके इतना बड़ा सेटअप लगा है। 5-10 फीट का लिए पुलिस सेटअप तो नहीं बंद करवाएगा। मैटर कुछ और ही है, जो आपको पता है ना हमको पता है, ये बात सिर्फ कमेटी वाले और डीजे ओनर इन तीनों को ही पता है। ये बात हमको नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर को पता है कि एक्चुअली में सेटअप क्यों बंद हुआ, ये तो ओनर जाने दोनों और कमेटी वाला जाने। बिना साउंड चेक का ही सेटअप को बंद करा दिया गया। अब जाहिर सा बात है, आप इंडिया का इतना बड़ा कंपटीशन करवाइएगा तो आपके यहाँ भीड़ भी इंडिया लेवल का ही होने वाला है, भीड़ को तो आपको काबू करना पड़ेगा ही। वो पहले से ही ऐसा कुछ आपको सिस्टम बना के चलना था जिससे कि भीड़ को आप काबू कर पाओ। वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे लोकल से, सब कोई बाइक फोर व्हीलर इन सब चीज़ों से ना आएंगे, तो उनको तो आपको वैसे जगह सुविधा देना ही पड़ेगा, ये तो कमेटी वाला का जिम्मेदारी था। पहले दिन कोई इशू नहीं था, कमेटी वालों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था बना के रखा हुआ था, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ ना, आपका भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब हो गई, इतना बड़ा लेवल का कंपटीशन होगा तो भीड़ तो होना ही था, ये तो गनीमत रहा कि कंपटीशन नहीं हुआ। कंपटीशन नहीं हुआ, सेटअप खुला तो कुछ लोग क्या, 50% लोग तो रिटर्न जाने लगे। अगर कंपटीशन होता तो वहाँ पे जितने पब्लिक थे ना, उसका और 2 गुना आप ऐड करके चलिए, इतने पब्लिक वहाँ पे आने वाले थे। भयंकर भीड़, जैसे होता है ना कोई बड़ा नेता आता है तो भीड़ इतना ज़्यादा, उससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़। और रहा बात पुलिस प्रशासन का, तो उनको भी सोचना चाहिए, डीजे जो सुनने आए हैं उनको तकलीफ नहीं हो रहा, तो तकलीफ किसको हो रहा है जिसके चलते डीजे बैन हो रहा।
पब्लिक के लिए ना डीजे बैन करवा रहा है, लेकिन पब्लिक को तो डीजे पसंद है। पब्लिक के लिए डीजे बैन हो रहा है कि पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, लेकिन वही पब्लिक डीजे सुनने जा रहा है। छोटा बच्चा से लेके औरत से लेके माँ बहन टाइप के उम्र वाले भी वहां पे जा रहे हैं, लेडीज भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं। उनको तकलीफ नहीं है भैया, तकलीफ है आपका सिस्टम पे कि आप उस चीज को काबू नहीं कर पा रहे हैं। आप वहां पे भी पुलिस प्रशासन भेजिए ना, आप तो वहां पे सिक्योरिटी नहीं देते हैं, आपको वहां पे भी सिक्योरिटी देना चाहिए ना। जैसे हर जगह आप सिक्योरिटी देते हैं कि कुछ दिक्कत ना हो, यहाँ पे आप दीजिए। डीजे वाले भी बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा खासा अपना 5-6 आदमी को रोजगार देते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा इतने सारे डीजे सेटअप पे काम करने वाले हैं, बोलो कब वो नौकरी है, वो रोजी रोटी का एक जरिया है। आप बंद करवाओगे तो बोलो कहाँ जाएगा, हर कोई डीजे पे नहीं काम कर सकता है। ऊपर वाले ने जो खासियत दिया है कुछ ही लोगों को दिया है जो वो काम कर पाएगा, उतना मेहनत कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीजे बैन हो और रोड शो सब बंद हो, होना चाहिए आप एक गाइडलाइन दीजिए कि भैया ऐसे वैसे कि खाली जगह पे ये सब कीजिए, वो हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट बोलेगा कि डीजे बैन हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे बैन हो गया, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ, आने वाला टाइम पे कोई भी बाहर डीजे सेटअप लेके जाना ही नहीं चाहेगा कि मेरा इतना मेहनत के बाद जाएंगे वहाँ पे सेटअप बंद होगा। तो ये तो अलग बात हुआ। तो एक्चुअली में दोस्तों वहाँ क्या हुआ जो पुलिस प्रशासन को आना पड़ा, ये तो वही लोग जाने। हम लोग पब्लिक सब तो चाहते थे कि एक घंटा होने से दोनों का साउंड चेक मिल जाता, एक एक करके बजाते, कंपटीशन नहीं होता तब भी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसका काफ़ी दुख है और कोशिश करेंगे आपके लिए लेके आएंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ, इसका भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, वो भी एकदम श्योर सटीक वाला, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल देंगे। कोशिश रहेगा ये वाला जानकारी भी आपके पास लेके आएंगे कि एक्चुअली में क्यों वहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ। तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और आप अपना राय बताइए कि वहाँ पे कंपटीशन क्यों नहीं हुआ। हमको नहीं लगता कि वहाँ पे दोनों ही डीजे में से किसी एक डीजे का भी गलती हो सकता है, इतना दूर लेके गया है तो कंपटीशन के लिए लेके गया है, तो डीजे वाला को इस पर कोई दोष नहीं है। अब दोष किसका है, कमेटी वालों ने परमिशन नहीं मांगा था क्या? तो ये सब का जानकारी अगर आपको है तो आप भी कमेंट कर दीजिए और आपका दोस्त भी कोशिश करेगा कि आपको उस चीज़ का जानकारी देगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।